हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में शुगर केन लीफ होपर की सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट, नेचर ऑफ डैमेज, लाइफ साइकिल और उनके कंट्रोल्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज लिखेंगे। फाइलम जो होता है, देखो शुगर केन लीफ होपर है, इंसेक्ट है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा, क्लास इंसेक्ट्रा से बिलोंग करेगा। ऑर्डर जो है इसका हेमिप्टेरा होता है, फैमिली फल्गोरिडे होता है। जीनस की अगर हम बात करें तो ये पायरेला और इसकी स्पीशीज परप्यूसेला होती है, अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, ठीक है। और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, द शुगर केन लीफ होपर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिक पोजीशन। अब आगे हम इसकी बात करते हैं इसकी हैबिट्स के बारे में। तो हैबिट्स में क्या है, इसका जो एडल्ट होता है पायरेला परप्यूसेला का, इसका एडल्ट प्लस निम्फ जो होता है वो लिव करता है, रहता है कहाँ पर, लीफ पर रहता है, लीफ पर, ठीक है। और सक करता है, क्या लेता है, क्या खाता है, सक करता है सेल के सैप को, ठीक है। आपको याद होगा सेल का सैप कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है, ठीक है। इसकी जो ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, हैबिट्स के हम तीन ही पॉइंट लिखेंगे। ब्रीडिंग जो होती है इसकी थ्रू आउट ईयर होती है, थ्रू आउट ईयर ये ब्रीड करता है। और अगर हम इसके एग लेइंग के बारे में बात करें तो एग लेइंग इसकी विंटर में भी होती है और समर में भी होती है। समर में ये एग लेइंग करता है किसमें, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में, मतलब फोर्थ फिफ्थ मंथ में, ठीक है। और विंटर में देता है ये अक्टूबर और नवंबर में, मतलब 10-11 महीने में, ठीक है। तो इनमें ये क्या करता है, एग लेइंग करता है। तो हैबिट्स के तीन पॉइंट हो गए, एडल्ट और निम्फ लीफ पे रहती हैं और सेल सैप को सक करती है, ब्रीडिंग थ्रू आउट ईयर होती है, एग लेइंग इसकी समर में भी होती है अप्रैल मई में, विंटर में भी होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे तो पहले हम यही पॉइंट लिख देंगे, इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो थ्रू आउट ईयर होती है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस आती हैं, एग आती है, निम्फ आती है और एडल्ट आती है, ठीक है। निम्फ और एडल्ट ये दो स्टेजेस हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, ठीक है। और इस प्लांट से, मतलब इस पायरेला परप्यूसेला से 35% यील्ड का रिडक्शन होता है, 35% यील्ड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एग के बारे में बात करेंगे। जो फीमेल शुगर केन लीफ होपर होती है, जो फीमेल होपर होती है वो एग लेइंग करती है क्लस्टर में, कैसे करती है, ग्रुप्स में करती है, क्लस्टर में करती है। क्लस्टर में भी वो 300 से 500 अंडे देती है, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है इसकी एग लेइंग दो में होती है, समर में और विंटर में। अगर ये समर में एग लेइंग करता है, समर में दैट मीन्स अप्रैल मई में एग लेइंग करता है, तो ये एग लेइंग करेगा लीफ के लोअर सरफेस पे, लीफ के लोअर सरफेस पे, ठीक है। और अगर वे विंटर में करता है तो जो वीफ लीफ के इनसाइड करेगा, लीफ के इनसाइड करेगा कहाँ पे, शीथ के अंदर, इनसाइड द लीफ शीथ, क्योंकि देखो ठंड होती है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए वो शीथ के अंदर जो है वो सेल को डाल देता है, एग्स को, ठीक है। अब जो एग्स होती हैं, अगर इसकी अगर हम बात करें एग, तो ये ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप के होंगे, थोड़े से शाइनी शाइनी से होते हैं, ठीक है। इसका कलर अगर हम बात करें तो इसका कलर पेल वाइट कलर का होता है, ठीक है। बाद में पेल वाइट बोलो या फिर ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एग के हमने बात करी, एग में हमने क्या पढ़ा है कि जो फीमेल है वो क्लस्टर में एग देती है, 300-500 अंडे एक साथ देती है। अगर एग लेइंग समर में होगी तो वो लोअर सरफेस पे देगा लीफ के, और विंटर में होगी तो इनसाइड द लीफ शीथ देगा। एग की खुद की करेक्टरिस्टिक्स है, ये शाइनी है, पेल वाइट एंड ग्रीन कलर का होता है। अब एग की हमने बात कर ली, सेकेंड हम बात करते हैं इसके निम्फ के बारे में।
तो इसका जो निम्फ होता है, जो एग है ना, एग से निम्फ बनने में 7 से 22 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 7 से 22 दिन लग जाते हैं समर में। लेकिन अगर विंटर होगा तो विंटर में ये डिले हो जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। विंटर में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। समर में से 7 से 22 दिन लगेंगे, विंटर में ये प्रोसेस डिले हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम आगे निम्फ के बारे में बात करें, तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो निम्फ होंगे ना, मतलब अभी जैसे एग से हैच हो गया निम्फ, तो वो जो फ्रेशली हैच जो निम्फ होगा वो कैसा होगा, पेल ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें एनल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये निम्फ क्या करता है, अभी हमने पीछे बोल दिया था कि ये सेल सैप को सक करता है, फीडिंग की अगर हम बात करें तो, ये हमने पढ़ लिया। और निम्फ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेज रहती है एडल्ट की, ठीक है। निम्फ को एडल्ट बनने में 6 से 8 वीक लग जाते हैं, निम्फ को एडल्ट बनने में 6 से 8 वीक लग जाते हैं, ठीक है। ये वीक कब लगते हैं, समर में, ठीक है। और ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, विंटर में, तो विंटर में ऐसे ही लग जाते हैं 4 मंथ्स, विंटर, ठीक है, विंटर में से लग जाते हैं 4 मंथ्स लग जाते हैं। एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट जो होता है वो 8 to 10 mm लेंथ का होता है, ठीक है। और स्ट्रो शेप, स्ट्रो कलर होता है इसका, जैसे स्ट्रो का कलर होता है ना, वैसा इसका कलर होता है, ठीक है। मेल की अगर हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो उसकी लाइफ स्पैन 5 से 7 वीक्स की होती है, और फीमेल की लाइफ स्पेन थोड़ी ज़्यादा होती है, 5 to 8 वीक्स होती है, 1 वीक ज़्यादा होती है। और पूरी की पूरी अगर इसकी लाइफ साइकिल, एडल्ट की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमली 40 to 60 डेज की कैलकुलेट होती है। देखो ये तो एस्टिमेशन है कि इतना टाइम जिएगा, ये इतना टाइम जिएगा, हमने एवरेज लगाया। तो जो एक एग लार्वा, इसकी पूरी लाइफ साइकिल का जो रहता है नॉर्मली एवरेज, वो 40 to 60 डेज का रहता है। और 1 साल में इसकी, 1 ईयर में 4 जनरेशन हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर डैमेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट और निम्फ, बताया अभी 2 स्टेजेस हैं, वो डैमेज करती हैं क्योंकि सेल सैप को सक करती हैं, तो सकुलेंट प्लांट्स में जो है वो मेनली डैमेज रहता है। इसकी वजह से जब इसने सेल सैप को ले लिया तो लीफ कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी, ठीक है, और पेल हो जाती है, ठीक है। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जब इनको इसका सेल सैप लेता है ना, तो इसके ऊपर हनी ड्यू की सिक्रीशन कर देता है, वैक्सी कोट चढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्लैकिश शेड की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस रिटार्ड होने की वजह से क्रॉप की यील्ड पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। 35% तक जो यील्ड है उसकी रिड्यूस हो जाती है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसके एग को, जैसे अगर मान लो कि एग है, उस एग को ही अगर हम डैमेज कर देते हैं जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करें क्रॉप की, तब ज़्यादा बेटर हो सकता है, या फिनाइल वाटर ट्रीट कर दो तो भी हो जाता है। जो पुरानी क्रॉप, जैसे अगर हम अगर हम बात करें अमरूद की बात करें, अमरूद का पेड़ हम क्या करते हैं, सर्दियों में उसके पत्ते कटवा देते हैं लेकिन प्लांट को रहने देते हैं, नेक्स्ट ईयर वही प्लांट दोबारा ग्रो करता है। तो इस ऐसी वाली क्रॉप्स को हम बोलते हैं क्या, रेटून क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम दोबारा बीज नहीं डालते, पिछला प्लांट ही दोबारा ग्रो करता है। तो अगर हमें प्लांट को बचाना है तो रेटून क्रॉप को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम रेसिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करें, आजकल मार्केट में बहुत रेसिस्टेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल करें तो भी बेटर रहेगा। इसके अलावा दूसरी जो ग्रैमिनेसी फैमिली से जो प्लांट्स हैं, जैसे पोइसी फैमिली से जो और दूसरे मेंबर्स हैं, वीट वगैरह है, ठीक है, वीट है, राइस वीट है, तो वो उनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, विसिनिटी में उसके आसपास ना हो, शुगर केन के अलावा मतलब दूसरी ग्रैमिनेसी फैमिली ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे केमिकल्स हैं, जैसे BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, उसके बारे में वो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट्स, नेचर ऑफ डैमेज, लाइफ साइकिल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। हैबिट्स में हमने क्या पढ़े, 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, एडल्ट और निम्फ लीफ पे रहेंगे, सेल सैप को सक करेंगे, ब्रीडिंग थ्रू आउट ईयर होगी, अप्रैल मई में भी कर सकता है, अक्टूबर नवंबर में भी एगलिंग कर सकता है, ठीक है। लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस हैं, एग निम्फ और एडल्ट। एग जो होता है वो फीमेल क्लस्टर में देती है, 300-500 अंडे एक साथ देगी, समर में होगा तो वो लोअर सरफेस पे देगी लीव के,
विंटर में होगा तो प्रोटेक्शन के लिए इनसाइड द लीफ शीट में देगी। शाइनी कलर के होते हैं, पेल वाइट से ग्रीन कलर के होते हैं। निम्फ जो होता है वो क्या कहते हैं, एग निम्फ में जो कन्वर्जन होती है, ये जो निम्फ है वो 7 से 22 दिनों तक रहता है समर में। और विंटर की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को एक्स निम्फ बनने में थोड़ा डिले हो जाता है। निम्फ पेल ब्राउन कलर का होता है और इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें एनल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो निम्फ से एडल्ट बनने में 6 से 8 वीक लग जाते हैं समर में, ज़्यादा टाइम लगता है विंटर में तो 4 मंथ्स लग जाते हैं। तो एडल्ट जो होता है वो 8 mm लेंथ का होता है, 8 to 10 mm स्ट्रॉ कलर होता है। फीमेल की लाइफ की अगर हम बात करें तो 5 to 7 weeks होती है एडल्ट फीमेल की, 5 to 8 weeks, और मेल की अगर हम बात करें तो 5 to 7 weeks होती है। पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ऑन एन एवरेज जो है वो 40 to 60 days का रहता है और एक साल में हमें 4 generations इसकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल और डैमेज बहुत कॉमन से रहते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था शुगर केन लीफ ओपर का। थैंक यू।